हाय, क्रीमी मखमली ग्रेवी। तो भाई, मैं दो तीन डॉक्टर से मैंने कंसल्ट वगैरह करा। वहाँ आप जाओगे ना उस दुकान में, इतना गजब भीड़ लगे रहता है, इतना गजब। ऐसा मौसम और ऐसा खाना, और ऐसा खाना तो बताओ कितना गजब डेडली कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले इन सभी चीजों को अच्छे से टेबल पे निकाल देते हैं। ये पीछे क्यों रह गया? अब ठीक है। देख के तो आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा, भाई सच में बहुत ज्यादा है यार। इसमें से मैंने एक वेज स्ट्रीट का बिरयानी भी ले रखा है, वो किचन में है। एक एक करके सब्जियां निकालते हैं, तभी ना इस वीडियो में आनंद आना चालू होगा। तो सबसे पहले भाई, इस वीडियो का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये देखो। अरे यार, खुल जाइए। अरे यार, एक सेकेंड। अरे हाय, ये देखो, एक सेकेंड यार, आप ना यहाँ पर ढालते हुए देखो। हाँ, ओए होए, ओए होए, गिन के 4 पीस यहाँ पर पनीर पड़ा हुआ है, बाद बाकी मैंने सब यहाँ पर ढाल दिया है। भाई शक्ल देखो यार, ये है इस वीडियो का सेकेंड नंबर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये है भाई। अरे यार, ऐसे ही जैसे बटर पनीर निकला था। ओहो ओहो, इसमें कढ़ाई पनीर में जो पनीर का पीसेस है वो बहुत बड़का बड़का है यार, बड़का बड़का है। अब ये है थर्ड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आपको शायद याद होगा, मैंने एक ऐसा चाप का सब्जी खाया था जिसमें प्याज डला हुआ था यार, मतलब प्याज इसमें भी है, उसमें सिरके वाला प्याज डला हुआ था। मे भी आपको भरोसा ना हो तो पहले ही मैं आपको दिखा दूंगी। देखो, ऊपर में सिरका वाला प्याज जला होता है यार, इसके तवा चाप चटकारा में होता भी चटाकेदार है पूरा पूरी। ओई होई, ये देखो पहले में ही आ गया सिरका वाला प्याज। ये सब तो सेट है, अब स्ट्रीट वाला बिरयानी लेकर आते। स्ट्रीट से नहीं, किचन से यार, किचन से। इसका अरोमा भाई नेक्स्ट लेवल है यार, ये प्रॉपर बिरयानी जैसा है। इसमें मैंने सैलड्स वगैरह सब डाल रखा है, दिखने में अच्छा लगे बस। अब ये जो दो जगह खाली है, इसमें आएगा बहुत बहुत कुछ है, बट मेरे को ये बहुत बहुत ह्यूज रोल से स्टार्ट करना भाई। ये पनीर टिक्का रोल, ओहो भाई, ये देखो ये फटने लगा है, मतलब रोल फटने लगा है मेरे डर से, मेरे बाइट के डर से। इसका टेस्ट मेरे को ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, और ये अंदर से इतना ड्राई है, इतना ड्राई। हाँ, ये अंदर पनीर टिक्का है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा मिंट चटनी डाल लेते हैं, क्या पता अच्छा लगे। क्योंकि मैंने सुना है और देखा भी है कि पनीर टिक्का है मिंट चटनी गजब जाता है। नाउ लेट्स गिव इट अ ट्राई। अब अच्छा लग रहा, एक तो ये बहुत ड्राई है और एक ये बहुत ज्यादा हैवी है। एक काम करते, इसको साइड करते हैं, नहीं तो इसी में पेट भर जाएगा। आज मुझे कुछ कुछ बात करनी तो थी कि कॉपी ऑफ दिस, कॉपी ऑफ दैट, दिस 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 दैट दैट, वो जो भी, बट मेरे को ऐसा मन नहीं कर रहा यार करने का। क्योंकि देखो, ये सब बात करके मेरे हिसाब से कोई मतलब है नहीं, तो इसलिए खाते हैं। अगर मन करेगा तो एक दो पॉइंट मार देंगे बीच बीच में। बटर नान खाते हैं हम, ये देखो बटर नान। बहुत दिन बाद भाई मैं ऐसे बैठकर अपने सेटअप में अच्छे से इंडियन फूड इंजॉय करूंगा। और ये देखो, एक ऐसे सोया चाप ले लेते हैं, सिरके वाला प्याज जो सब्जी में ही डलता है, और ये थोड़ा सा ग्रेवी। अरे हाई शक्ल देखो यार, बहुत गजब, बहुत गजब। मैं बिरयानी का आपको कहानी बताता हूँ। ये बिरयानी वाला जो मैंने जहाँ से ले रखा है, वो मेरे ऑफिस के एकदम जस्ट सामने है। मैं उपमा, इडली, मतलब जो भी साउथ इंडियन और वो लोग बिरयानी सेल करते हैं, मैं वहीं से हमेशा उपमा खाता हूँ। वहीं से मैंने ये 50 का हाफ प्लेट बिरयानी ले रखा है, और भाई क्या गजब बिरयानी बनाते हैं यार, बटर पनीर और बटर नान। आपको तो पता ही है गोयला का बटर का जो चीज़ होता है, मतलब बटर चिकन या बटर पनीर, वो कितना नेक्स्ट लेवल होता है।
जैसा इनका बटर नान है वैसे ही इनका पनीर है यार। बहुत टाइम से मैंने नॉनवेज खाया नहीं है और सच बता रहा हूँ मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि नॉनवेज का जरूरत है ये सब खा के। भाई क्या ही नेक्स्ट लेवल बना रखे हैं। ट्राई करते हैं कढ़ाई पनीर जिसमें पनीर का पीसेस भाई बहुत बड़ा बड़ा, रुको मैं आपको दिखाता हूँ इतना बड़ा बड़ा ये गोयला वाले पनीर का पीस डाल रखे हैं। बट जो भी बोलो यार, गोयला एक ऐसा आउटलेट है जहाँ से आप कुछ भी मंगा लो आपको एक नेक्स्ट लेवल चीज ही मिलेगा। और एक आउटलेट जमशेदपुर में न्यूली ओपेंड है, मेरे को उसके बारे में पता चला। सबसे पहले तो भाई हम अपना सारा दोस्त का जो बर्थडे पार्टी है, जैसे एक रेस्टोरेंट हमें अच्छा लगता है तो पूरा साल जितना दिन का भी बर्थडे होता हम सब वहीं जाते हैं। रिसेंटली हम एक रेस्टोरेंट गए थे भाई साहब, वहाँ का खाना ये देखो भाई, सोया चाप को एक बार देख लो अच्छे से। इसमें सोया चाप नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही खा लिया ना। इन दिनों में टेस्टी कौन सा है अगर आप मेरे से पूछोगे तो शायद मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर आप ये पूछोगे कि सौरभ भाई आपको इन तीनों में से याद कौन सा रह जाएगा, बताता हूँ आपको। आय हाय क्रीमी मखमली ग्रेवी, इन तीनों में से जो याद रह जाएगा वो है ये तवा चाप चटकारा। क्योंकि भाई इसका जो टेस्ट है वो बहुत अलग है, अच्छा तो है बहुत अलग है। तंदूरी रोटी और कढ़ाई पनीर खाते हैं। तो सबसे पहला रीजन जो है मैं क्यों मकबैंग से व्लॉग में शिफ्ट होना चाह रहा था, मैं आपको एकदम क्लियर बताता हूँ। कुछ टाइम पहले ये मकबैंग की वजह से मेरे को थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज फेस करना पड़ रहा था। जो कि अब कंट्रोल में है, कोई इशू नहीं है। बट मैं फ्यूचर के बारे सोच के चीज कर रहा था कि भाई फ्यूचर में हेल्थ को भी तो ठीक रखना है ना भाई, ये थोड़ी कि सिर्फ खाते रहो जब तक जिंदगी है। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि मकबैंग के साथ व्लॉग को मिक्स करके आप लोग को डिलीवर करूँ ताकि मेरा हेल्थ सही रहे और मैं भाई लॉन्ग टर्म तक ये कॉन्टेंट बना पाऊँ। ओहो यार ये सोया चाप अलग लेवल पे है। तो भाई मैं दो तीन डॉक्टर से मैंने कंसल्ट वगैरह करा तो वो तो बोल रहे थे कैसा कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो मेरा जो हेल्थ वगैरह सारा कुछ देखने के बाद। और जिनके साथ मेरे को कंपेयर कर रहे थे, मैं एक दिन पहले अपना कम्युनिटी पोस्ट डाला था बट मेरा मन बहुत टाइम से हो गया था कि मैं अब इस चैनल पे व्लॉग डालूंगा। भाई बाहर इतना गजब मौसम है, 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है और भाई अंदर मेरे को गर्मी लग रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है जी। ये गार्लिक नान को इधर रखते हैं और ऐसे कोल्ड ड्रिंक को एक सिप लेते हैं और एक रुमाली रोटी खाते हैं। अब साला पता नहीं लाइट कब आएगा जी। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि क्यों ना व्लॉग बनाते हैं, बट भाई आप लोग ने ऐसा सा मेरे को कमेंट करा है कि डीमोटिवेट फील हो रहा है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैंने सोच कर रखा था, सुमित से भी डिस्कस करके रखा था कि भाई हम लोग यहाँ जाएंगे, यहाँ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और बहुत पैसा लग रहा था उसमें। बट मैंने सोचा नहीं भाई अब ये चीज़ करना है तो करना है। बट एक व्लॉग मैंने डाला और उसके बाद तो भाई अब मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि मेरे को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए।
फिर से आप लोग का इस वीडियो में कमेंट देखूंगा, उसके बाद ही जो डिसाइड होगा होगा। सर ग्रेवी देखो यार, क्रीमीनेस देखो, टेक्सचर देखो, रुमाली रोटी के साथ इन तीनों में सबसे गजब हुआ पनीर बटर मसाला। ओहो ये क्या नाम है यार, चवा नहीं, सुई चाप तवा चटकारा रे, जो भी नाम कैसे भूल गया यार मैं। ये प्याज खाते, अरे नहीं नहीं आवाज तो लग रहा है कि मुंह के अंदर बहुत सारा प्याज है। बिरयानी ट्राई करते हैं, ये वेज बिरयानी। एक और बार आप लोग सामने से शक्ल देखो, इसमें सोयाबीन है, पनीर है भाई, बहुत कुछ है। ओह शिट, पहले ही बाइट में हरी मिर्च आ गया। आलू के साथ ट्राई करते हैं भाई, ये लोग बिरयानी में आलू डाल रहे हैं ना, बहुत बड़ा बात है, बहुत गजब बात है, बिरयानी गजब बना है। ये रायता के साथ, वहां आप जाओगे ना उस दुकान में, इतना गजब भीड़ लगे रहता है, इतना गजब। चिकन मटन बिरयानी की दुकान में जितना ज्यादा भीड़ होता है उसको आप लोग 3 से 4 गुना कर दो, उतना भीड़ आपको हर टाइम मतलब एक टाइम पे वो दुकान के बाहर दिख रहा होगा। जो खड़े मसाले या गरम मसाले जो भी बोलते हैं ये सब मुंह में बहुत लग रहा है यार, बट भाई रायता के साथ गजब लग रहा है, गजब। ये मिंट चटनी डालते हैं, इतना गरम मसाला है, ओह काजू भी डाल रखे हैं यार, 50 रुपए में इतना कुछ। तो देखो भाई अब मकबैंग करना है या व्लॉग में बना सकता हूँ वो आप पे डिसाइड करता है। लाइट आ गया यार, सही में आप ही पे डिसाइड करता है, मतलब आप ही डिसाइड कर सकते हो आप लोग क्या मुझे परमिशन है बाहर जाकर व्लॉग बनाने का, अपना कॉन्सेप्ट डाल के वीडियोस बनाने का। अब मुझे कमेंट आएगा, इस वीडियो में लाइक्स आएगा, उससे मैं जज करूँगा, तो प्लीज़ इस वीडियो में सपोर्ट दिखाना। मैं वहां पर जा गया, मैंने बहुत ही कम ही बिरयानी खाया हूँ क्योंकि मैं ऐसे नॉर्मल डेज में बाहर का उतना खाना खाता नहीं, बट आज जब मैं खा रहा हूँ इसमें पनीर, कॉर्न, आलू, काजू भाई, बीन्स, ऊपर से ये हरा मटर, कितना कुछ डाल रखे हैं। नो डाउट कि चिकन और मटन बिरयानी से ज्यादा भीड़ इनके वेज बिरयानी में होता है। बैटरी ब्लिंक करने लग गया है दोस्तों, मैं पूरा प्लेट बिरयानी मैं निपटा गया। अभी रुमाली रोटी खाते हैं, फिर बचेगा वो गार्लिक नान। मेरे तो भाई सबसे ज्यादा गजब ये क्या नाम है, चाप चटकारा लग रहा है। अरे यार बैटरी चेंज करना था, खैर 2-3 बाइट लेते हैं उसके बाद जाते हैं बैटरी चेंज करने। ओके ओके अरे हाँ यार, हमारे शहर में मैकडी खुल रहा है, पहली बार मैकडी आ रहा है यार। जो मैं एक्साइटेड होकर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करा कि मैकडी खुलने वाला है, एक बार खुल जाए एक दो बार मैं एक्साइटेडली वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद मुझे याद भी नहीं होगा कि मैकडी भी है।
ब्राइटनेस कम है क्या? अब शायद ठीक लग रहा ना। हाय हाय। प्लीज भाई आप लोग कमेंट में बताना कि मुझे व्लॉग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई ट्रस्ट मी मेरे पास बहुत गजब गजब कॉन्सेप्ट है और मुझे बहुत मन है यार बनाने का। एक तो हेल्थ वाला इशू है और दूसरा भाई मुझे व्लॉग बनाने का बहुत मन करता है, बाहर जाके वीडियो बनाना, कंटेंट नेक्स्ट लेवल निकालना और उसमें प्रॉपर एडिटिंग हो, भाई मेरे को बहुत मन करता है ये। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग मेरा साथ दोगे। अब जब पेट भर के आया मेरा, एक बटर पनीर भी है, मतलब एक पनीर भी है। अब बचा ये गार्लिक नान, बट उससे पहले ये बैटरी चेंज करना जरूरी है। बैटरी फुल वा। आज बाल में शैम्पू कर रहा था ना, तो बाल सही से सेट नहीं हो रही है जी। भाई देखो अपना पेट तो गजब भर गया है, बट ट्राई करते हैं एंड तक कि कहां तक खा पाते हैं। लग रहा है वो टाइम बहुत सामने है जहां मैं बोलने वाला हूं ये वीडियो को लास्ट बाइट हो। ऐसे ही भूख उस लेवल का है नहीं कि चुई नान भी खा जाऊं। इतना मैं अपने आप को पुश इसलिए कर पा रहा हूं ताकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे, बोलोगे सौरभ भाई व्लॉग्स बनाओ, बिंदास व्लॉग्स बनाओ, हम लोग हैं आपका सपोर्ट करेंगे। प्लीज कमेंट करना दोस्तों। बटर पनीर खत्म कर दिया यार मैंने, तो ये है वीडियो का लास्ट तो बाइटो। मैंने इसको डीप फ्रिज में प्रॉपर चिल्ड करने के लिए रख दिया था। नेक्स्ट लेवल था हर एक चीज, वो रोल छोड़ के हर एक चीज नेक्स्ट लेवल था। भाई मैं आपसे जेनरली पूछता हूँ कि प्लीज इस वीडियो को नीचे कमेंट करके बताओ, क्या मुझे व्लॉग्स बनाना चाहिए, क्या जो मैंने कॉन्सेप्ट सोच रखा उस पर वर्क करना चाहिए, या फिर ये जो नॉर्मल मकबैंग है उसी को करता रहूँ। अब देखो पर्सनली मेरे को बहुत मन है कि वो व्लॉग्स बनाए आप लोगों के साथ, वो आइडियाज, वो प्रोजेक्ट्स पे मैं काम करूँ, वो सब आपसे शेयर करूँ। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, अगर आप लोग नहीं चाहोगे तो कैसे भी करके दो तीन वीडियो में आपको मना ही लूंगा। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, नीचे कॉमेंट करके अपना एक्सपीरियंस बताओ इस वीडियो का और व्लॉग में क्या करने चाहिए उसका भी। ज्यादा से चैनल को सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि हर एक वीडियो नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपको मिल जानी चाहिए। अपने लिए तो मैं कभी बात ही नहीं करता। अपन आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय जी।